नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरा YouTube का परिवार, Facebook और Instagram का फैमिली इसी तरह से बढ़ता रहे। मैं माता काली को बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरे इष्ट बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा दृष्टि है मुझ पर कि मेरा परिवार बढ़ता रह रहा है और आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए, किसी की भी समस्या लाइफ में ना रहे, सारी समस्याएं खत्म हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर रहे। जरूर कमेंट में लिखिए जय माँ काली। तो आज मैं इस विषय में बात करूंगी, नए साल आ रहा है, नया साल की कुछ खास तैयारियां जरूर करें। वास्तु के कुछ ऐसे चेंजेस बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे इफेक्टिव उपाय आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल है, इजीली आप कर पाएंगे। और दूसरी चीज, इससे आप बनेंगे बहुत बहुत धनवान। जी हाँ, धनवान बनने की चाबी देने वाली हूँ आप सभी को। तैयार है क्या आप? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। शेयर इसलिए करें ताकि दूसरे लोग जो भी परेशानी में जूझ रहे हैं, आर्थिक अवस्था जिनकी अच्छी नहीं है, वो अच्छी हो जाए। तो मैं आज बात करूंगी कि क्या क्या वास्तु में कुछ चेंजेस आपको करने हैं, किस तरह से आप घर पर लक्ष्मी जी को आगमन के लिए तैयारी करने के लिए न्योता देंगे और किस तरह से माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश करके आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन डोर। काफी सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो नीचे की दरवाजे अलग होते हैं। आप अगर अपने फ्लोर का अपना मेन डोर, जहां से आपके घर के अंदर हम जाएंगे, उसकी अगर हम बात करें तो आपका घर का मुख्य द्वार इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतना सजा हुआ होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि अंदर आपने कुछ सजावट की ना की, लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर आपके घर के दरवाजे को देखे तो कम से कम 2 मिनट के लिए रुक जाए और ये देखता ही रह जाए कि क्या डेकोरेशन किया है इसे इन्होंने। तो इसका तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्य द्वार में अगर आपकी आवाज़ें होती हैं, जंग लगी हुई हैं, खिच खिच करके आवाज़ें हो रही हैं, टूटा फूटा है, कहीं से क्रैक आ गए हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। इसको तुरंत बदलिए, नहीं तो फिर दरिद्रता आपके घर पर प्रवेश करेगी। तो इसीलिए आपको इस चीज़ से तो बचना है। आपको कैसे सजाना है घर को? घर के मुख्य द्वार को साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए, पेंट नए करवाते रहे, हर दीपावली में पेंट करवाइए। इसके अलावा आप चाहें तो डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अमेजन वगैरह में मिल जाएंगी आपको, वहां से लाकर उसका यूज़ करिए। कुछ भी ओकेशन आपके घर पर आता है, जैसे नए साल आने वाले हैं तो कुछ लोगों के घर के आसपास अगर आम का पेड़ है तो वहां से आम के पत्ते लाकर अपना तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। अशोक के पत्ते हैं तो उनको लगाएं, पान के पत्ते हैं तो उनको लगाएं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो गेंदा का फूल खरीद के लेकर आइए और तोरण बनाकर अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर जरूर लगाइए। एक स्वस्तिक हल्दी का और कुमकुम को मिलाकर गंगा जल और गुलाब जल से भिगोकर एक स्वस्तिक बनाइए जरूर अपने मुख्य द्वार में, जिससे कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होना शुरू हो जाए। चौखट को साफ सुथरा रखना है, गंगा जल का छिड़काव, हल्दी का छिड़काव, कुमकुम का छिड़काव जरूर करें। पोछा लगाए, इत्र लगाए, अपने द्वार को सजाइए, अपने मुख्य चौखट को। आपको कोई भी तरह से काला नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर है तो इसे चेंज करवाइए, किसी भी तरह से पेंट करवा के लाल पीला सफ़ेद कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन काला और नीला को अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा और अच्छा रहेगा। मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी की प्रवेश होती है, अपॉर्चुनिटीज हमारे घर पर आती है, लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होना शुरू हो जाती है। आपको मैं बता दूं, मुख्य द्वार के ऊपर में आप एक बड़े से काले रंग के कपड़े में 1 किलो से अधिक या फिर 1 किलो का कम से कम फिटकरी लेकर अगर आप चौखट के ऊपर लगा देते हैं, ताकि नीचे से जितने भी लोग आना जाना करें ऊपर में फिटकरी रहे, तो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके घर में अगर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो आपको क्या करना है, अपने घर के उत्तर दिशा को थोड़ा सा ऊंचा बनवा लीजिए। उत्तर का दिशा अगर ऊंचा रहेगा, जो कि कुबेर का दिशा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन अगर ऊंच का रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो वहां पे धन ठहरेगा, धन जाएगा नहीं और आपके धन के आगमन के स्रोत भी बढ़ते रहेंगे। ईशान कोण को हमेशा साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने घर का ईशान कोण देखिए कहाँ पर है, जो कि आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, उस कोने को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रात को सोते वक्त वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करके सोइए और उसमें थोड़े से भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। आप देखेंगे कर्जा आपका बहुत जल्दी चुकना शुरू हो चुका है। इसके अलावा धन के आगमन तो आएंगे ही, क्योंकि ये जो दिशा है ये कुबेर की दिशा है, जहां पर धन संचित आप कर पाएंगे, संचय
निश्चय आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि उत्तर पूर्व को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे टूटे फूटे बर्तन अगर पड़े हुए हैं आपके घर पर, किचन में कहीं पर भी टूटे बर्तन पड़े हुए हैं, आप उसी में खाना खा लेती हैं या किसी को दे देती हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात के समय जूठे बर्तन रखकर अगर आप सो जाते हैं तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट है कि बेड में ही खा लेते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। बिस्तर में खाने से आप अपना खुद जो खाएंगे ना वो कंज्यूम कर जाते हैं जितना आपने धन कमाया है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। रात को सोते वक्त स्लीपर्स अगर आप अपने बेडरूम के पास रखते हैं, चाहे वो घर पे पहनने वाला ही चप्पल जूता क्यों ना हो, तो ये भी गलत है, ये आपके केतु को ख़राब कर देता है। इसके अलावा लक्ष्मी के आगमन के लिए और एक खास उपाय बताने वाली हूँ, नाखून ज़रूर काट लीजिए इस साल। नाखून जो है वो राहु का प्रतीक होता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं इससे आती, काफ़ी सारे लेडीज़ को मैंने देखा है कि नाखून बड़ा करने का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्लीन करवाते रहिए, पार्लर जाइए, उसको अच्छे से हाथ में मैनीक्योर वगैरह कराइए, सुंदर रखिए, गंदे नहीं जमने चाहिए, और नहीं अगर मेंटेन होता तो ज़रूर काट लीजिए उसे, मत रखिए अपने हाथ पैर के नाखून को, बच्चों के हाथ पैर के नाखून को ज़रूर इस साल आप लोग काट लीजिए। इसके अलावा आपको ये बता दूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो घरेलू हैं और इसको आप कर भी पाएंगे, बहुत ही सरल है, आसान उपाय है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जितना भी कबाड़ का सामान होता है जो कि यूज़ नहीं है उसको आप छत पर रख देते हैं, तो छत जो है आपके सर है, सर पर बोझ अगर आप रखते हैं तो घर का मुखिया जो है वो बीमार रहेगा और आपके कर्ज जो है आप पर बोझ की तरह बढ़ते ही चले जाएंगे, तो आपको ये काम भी नहीं करना है। छत पर कबाड़ रखेंगे तो राहु खराब होगा और राहु खराब होगा तो काम में डिलेज आएंगे, ऐसी कोई रोग घर पर ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी कि आप डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि इस बंदे को हुआ क्या है, क्यों इतना ये परेशान है। तो छत को हमेशा साफ साफ रखिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घर पर बिल्कुल ना रखें, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कि खराब पड़ी हुई हैं, बंद घड़ियाँ हैं घर पर, तुरंत हटाइए, साफ सफाई कर लीजिए इसी साल ही, ताकि आने वाला जो साल है इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पा सकें, पाने वाला बन जाए नया साल, इसीलिए इन चीज़ों को घर से तुरंत हटाइए, नहीं तो बीमारी कभी नहीं जाएगी। घर पर सुगंधित अगरबत्तियां जलाइए, घर पर धुना हर रोज़ करिए, घर पर परफ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर का उपयोग ज़रूर करें, घर के मेन डोर को सुगंधित ज़रूर बनाएं, परफ्यूम इत्र का छिड़काव करें, खुद भी इत्र में ज़रूर नहा लें कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार वाले दिन। इससे क्या होगा, आपका शुक्र है जो वो स्ट्रांग होगा और लग्जरी कम्फर्ट लाइफ में बढ़ती रहेगी। स्वस्तिक घर पर ज़रूर बनी होनी चाहिए, ओम का चिन्ह ज़रूर बने चाहिए, मंदिर को साफ रखिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि मंदिर पे पूरी धूल की एकदम जम गई है, लोग पूजा पाठ भी नहीं करते, पता नहीं भगवान ने कब भोग उन्होंने लगाया होगा, खाया होगा। अगर मंदिर है, भगवान को अगर आपने रखा है और उसका भोग नहीं लगाते, आप उनको साफ सुथरा नहीं रखते, तो आपकी अनादर कर रहे हैं भगवान का, तो कहाँ से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहाँ से उन्नति होगी। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान बहुत ज़्यादा खास रखना है कि अगर भगवान है आपके घर पर तो उनको भोग लगाइए, नहीं तो किसी मंदिर में ले जाकर लाल कपड़े में मुड़कर दान करके चले आए अगर आपके पास वक्त नहीं है। तो कम से कम एक दीपक अपने घर पर रोज़ ज़रूर प्रज्वलित करें, ईशान कोण में करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, और उसमें अगर एक भीमसेनी कप को दे देते हैं तो क्या ही कहने। किसी भी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए दो फूल वाले लौंग दीपक में लगाकर अगर आप जलाएंगे घी का दीपक में, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अपना साउथ को भी उच्च का बनाइए ताकि दक्षिण दिशा जो है वो आपको फेम देता है, आपको नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है। यहाँ पर सुगंधित परफ्यूम या फिर जो भी डिफ्यूज़र होता है ना, परफ्यूम डिफ्यूज़र, वो लगा लेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। लाल रंग का बल्ब ज़रूर लगाइए साउथ में ताकि आपके अंदर एनर्जीज रहे, एनर्जेटिक रहे, आप सारे काम में डिलेज ना हो, जल्दी जल्दी काम हो जाए। अगर आप देखते हैं कि साउथ में हमेशा बल्ब लगाने के बाद वो हमेशा फ्यूज़ हो जाता है, तो भी घबराने की बात नहीं है, ज़रूर चेंज कर लिए, इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं चेंज करिए। घर पर जाले पड़ने बिल्कुल मत दीजिए, जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है घर से हटाइए, बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान कबाड़ सब इस बार घर से निकालिए। इवन पुराने जूते चप्पल जो बहुत दिनों तक आपने यूज़ नहीं किया है, रखे हुए हैं, प्लीज़ हटा दीजिए, जितना उपयोग है उतना ही रखें। मात्र इन चीज़ों को अगर वास्तव में आप फॉलो करते हैं ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी आपके आएंगी। मेहमान घर में आना बहुत शुभ माना जाता है, ज़रूर मेहमान को घर में बुलाइए। मैं समझती हूँ कि आजकल व्यस्त हो गए हैं सारे लोग, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन घर पर मेहमानों का आगमन आपके घर पर नई एनर्जीज को लेकर आता है, सुखमय बनाता है। और अगर मेहमानों को आपने मिठाई पूछा तो समझ लीजिए शुक्र आपका मजबूत हो जाएगा अगर वो मिठाई को खा लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी घर पे घंटी अगर ख़राब हो चुकी है ना, डोरबेल अगर ख़राब हो चुका है, तो उसको बनाइए, किसी भी व्यक्ति को ये मौका ना दे कि वो आपका दरवाज़ा कुंडी खटखट करके ये करे, क्योंकि कुंडी जब खटखट होती है ना तो लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है, तो ये काम नहीं करना चाहिए।
पर्दे घर के चेंज कर लीजिए, घर में साफ सुथरा रखिए। जितने भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं भी तो कम से कम खुद से साफ सफाई ज़रूर आप कर सकते हैं। टैप वाटर कहीं पे लीक है, नलका कहीं पर अगर आपका लीक है तो उसको बनवा लीजिए। जल का उपयोग सही तरीके से करिए, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें। मात्र इन कुछ उपायों को करिए और ज़िंदगी ना बदले तो मुझे कहना, इस चीज़ को इसी साल में सारी चीज़ों को कर ले ताकि नया आने वाला साल आपके लिए खुशियों का साल हो और आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा जब मुझे आप अपने हिसाब से कुछ कमेंट्स करेंगे कि मैडम इस पर वीडियो बनाइए, उस पर बनाइए, तो मैं उस पर थोड़ा फोकस करूँगी। और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।